तो माँ सरस्वती को सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम। एक छोटा सा मेडिटेशन हम करेंगे जिसके द्वारा हम माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करेंगे। तो मैं चाहूंगी आप लोग सब अपनी आंखों को बिल्कुल स्थिर होके, स्ट्रेट होके बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें और एक गहरी सांस लें। आपके दोनों भौहों के बीच में आपका जो आज्ञा चक्र है, वहां पर माँ सरस्वती की छवि को देखें। कितनी सौम्य है उनकी छवि, कितनी प्यारी, कितनी मनमोहक, श्वेत वस्त्र में। ये है हमारी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। प्रणाम कीजिए माँ सरस्वती को और प्रार्थना कीजिए उनसे। हे माँ, असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गम्य। हे माँ, मुझे अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाओ। हे माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाओ। हे माँ, मैं जो एक बंधन में बंध चुका हूं, उस बंधन से मुक्त कर मुझे अमरत्व की प्राप्ति कराओ। हे माँ, मुझे शरीर बोध से आत्मबोध की ओर लेकर जाओ। कृपा करो माँ, कृपा करो। और माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ के बीच मंत्र की चैंटिंग करेंगे। ओम आएं सरस्वत्यै नमः। 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 माँ की कृपा को महसूस करें, उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, उनके ज्ञान के प्रकाश को महसूस करें और उनकी सौम्य छवि को अपने मनस पटल पर अंकित कर अपने शरीर में वापस आएं, अपने हथेलियों को रगड़ें, अपने नेत्रों को स्पर्श करें और इस दिव्यता को महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल दें। यह हमारी माँ सरस्वती,
देखिए कितना सौम्य स्वरूप है इनका, ज्ञान की देवी है, सबसे पावरफुल है पूरे ब्रह्मांड में क्योंकि ज्ञान की देवी है। लेकिन इनके चेहरे पर एक भी लेश मात्र का अहंकार का झलक नहीं है। इनकी सौम्यता देखिए आप, श्वेत वस्त्र में बिल्कुल सौम्य, इतनी सुंदर, क्योंकि यही ज्ञान का प्रभाव है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर सौम्यता आती जाती है, वैसे वैसे अहंकार खत्म होता जाता है।